हमारे वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, घंटी को भी बजाइए ताकि हमारी पोस्टों की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। इस पोस्ट में हम आपको प्रयाग कुंभ की महत्वपूर्ण तिथियों तथा कुंभ के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जिन्हें आप जानना चाहते हैं। प्रयाग कुंभ मेला 2019। आज के आधुनिक इलाहाबाद में स्थित प्रयाग का बतौर तीर्थ हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि वहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें गिर गई थी। यह बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी। तीर्थ वह स्थान होता है जहां कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां तीन तीन साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। संगम में हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है तथा हर 6 साल पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। 2019 में पड़ने वाला कुंभ अर्धकुंभ है। भारत में महाकुंभ धार्मिक स्तर पर बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन होता है। इसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। महीने भर से अधिक चलने वाले इस आयोजन में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए एक टेंट नगरी बनाई जाती है जो परंपरागत बसावट से अलग होती है। यहाँ सुख सुविधा की सारी चीज़ें भी जुटाई जाती हैं। यह आयोजन प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरणों और पुलिस की मदद से आयोजित किया जाता है। इस मेले में दूर दूर के जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं से साधु संत आते हैं। कुंभ योग की गणना कर स्नान का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। स्नान के पहले मुहूर्त में नागा साधु स्नान करते हैं। इन साधुओं के शरीर पर भभूत लिपटी रहती है, बाल लंबे होते हैं, यह मृगचर्म अथवा निवश रहते हैं। स्नान के लिए विभिन्न नागा साधुओं के अखाड़े बेहद भव्य तरीके से जलूस की शक्ल में संगम तट पर पहुँचते हैं। पिछला महाकुंभ 2013 में पड़ा था और अगला महाकुंभ इलाहाबाद में 2025 में पड़ेगा। कुंभ मेला 2019 का आयोजन इलाहाबाद में किया जा रहा है जो जनवरी 15, 2019 से प्रारंभ होकर मार्च 4, 2019 तक चलेगा। इसमें पहला पर्व है मकर संक्रांति का जो 15 जनवरी 2019 को मनाया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पर्व है पौष पूर्णिमा जो 21 जनवरी 2019 को होगा। तीसरा महत्वपूर्ण पर्व स्नान का मौनी अमावस्या है जो 4 फरवरी 2019 को होगा। चौथा स्नान पर्व है बसंत पंचमी जो 10 फरवरी 2019 को होगा। पांचवा पर्व है माघी पूर्णिमा जो 19 फरवरी 2019 को होगा। और छठा तथा अंतिम महापर्व है महाशिवरात्रि जो 4 मार्च 2019 को होगा। आइए अब हम जानते हैं कि कुंभ कहां कहां मनाया जाता है। कुंभ पर्व विश्व में किसी भी धार्मिक प्रयोजन हेतु भक्तों का सबसे बड़ा संग्रहण होता है। करोड़ों की संख्या में लोग इस पावन पर्व में उपस्थित होते हैं। कुंभ का संस्कृत अर्थ है कलश। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का यही चिन्ह है। हिंदू धर्म में कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। ये नदियां हैं हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। इलाहाबाद का कुंभ पर्व। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद में किया जाता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है। हरिद्वार का कुंभ पर्व। हरिद्वार हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिवालिक पर्वत के नीचे स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को तपोवन,
मायापुरी, गंगा द्वार और मोक्ष द्वार आदि के नामों से जाना जाता है। हरिद्वार की धार्मिक महत्ता विशाल है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। मेले की तिथि की गणना करने के लिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति की आवश्यकता होती है। बृहस्पति का संबंध मेष राशि से है। नासिक का कुंभ पर्व। भारत में 12 में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नामक पवित्र स्थान में स्थित है। यह स्थान नासिक से 38 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और गोदावरी नदी के उद्गम भी यहीं से हुआ है। 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार नासिक उन चार स्थानों में से एक है जहां अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले में सैकड़ों श्रद्धालु गोदावरी के पावन जल में स्नान कर अपनी आत्मा की शुद्धि एवं मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि का आयोजन बहुत धूमधाम से किया जाता है। उज्जैन का कुंभ पर्व। उज्जैन का अर्थ है विजय की नगरी और यह मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इंदौर से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। यह शिप्रा नदी के तट पर बसा है। उज्जैन भारत के पवित्र एवं धार्मिक स्थलों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शून्य अंश उज्जैन से शुरू होता है। महाभारत के अरुण पर्व के अनुसार उज्जैन 7 पवित्र मोक्षपुरी या सप्तपुरियों में से एक है।